कैसे मेरे दोस्त? Fine. Fine. कॉन्सर्ट पे किसके लिए आए? आतिफ. हेयर स्टाइल ये क्या है? ये बस ऐसे ही. बताओ ना, आपको आपने रखा है? मैंने तो स्लीपिंग स्टाइल. स्लीपिंग स्टाइल, अच्छा मेरे लाहौरी हो. अच्छा स्लीपिंग स्टाइल क्यों है? ये लेटा लेटा है. हाँ, लेटा. तो आप माशाल्लाह गुड लुकिंग आए हैं, कलर्ड आईज हैं, ये बाल इधर फेंके हुए हैं, जी बॉब कट लड़कियों वाला. बस वैसे ही है कुछ. मैं तो अब छोटा भाई होने के हिसाब से सजेशन नहीं दे सकता हूँ कि शॉर्ट करा लें. आप माशाल्लाह गुड लुकिंग आए हैं. पिंक कलर जी, मैं सपोर्ट करता हूँ इन कलर्स को. समर्स में बहुत कूल लग रहे हैं. और पाकिस्तान में जब से मैं ये शो कर रहा हूँ तब से लेकर अब तक पहली बार हुआ है कि किसी लड़के का बैंड अच्छा जी जो इन्होंने पहना है. पाकी बैंड नहीं है वैसे भी. हाँ, तभी पाकिस्तान से मिलते भी नहीं ऐसे, लेकिन पहली बार लड़के को देखा है जिसका जो बैंड है वो आउटस्टैंडिंग है. वॉच मिसिंग है? सॉरी, वॉच मिसिंग है. वॉच नहीं पहनी? क्यों? मैं नहीं पहनता. क्यों नहीं पहनते? वैसे ही बस शौक ही नहीं है. ब्रेसलेट है. क्यों कुमार, क्यों आखिर क्यों नहीं पहनते? तो बस अभी कोई पसंद आएगी तो ले लूंगा. ओके, तो बाल कब कटाओगे कुमार? इंशाल्लाह जल्दी. थोड़ी आवाज निकालो. कितनी आवाज ऐसे इस तरह आवाज निकाल लगे. आवाज तो है कुमैल. जीन्स है वो कहाँ जा रही है? जूतों के नीचे से होके दिखा. इधर शूज फटा हुआ है ना, तो जीन्स कवर कर रही है. दिखा दिखा शूज दिखा. कोई बात नहीं, भाइयों वाली बात है. नहीं भाइयों वाली बात नहीं. नहीं शूज देखेंगे अब. किधर से फटा? नॉर्मल है यार, जोक कर रहा. जोकिंग टीवी के सामने नहीं होती दोस्तों. जोकिंग करनी तो पूरी करो. तो ये जीन्स जो है आपकी है लफंटर स्टाइल, ये आ गई है नीचे तक और आपने इसको कह दिया कि जूते. अच्छा जीन्स का कपड़ा बहुत सही, ये भी बाहर सही लगता. हाँ, नहीं नहीं यार ठीक है, लेकिन ये जीन्स इस तरह पहन के टप टप टपोरी क्यों बने हुए? बस ऐसे ही टपोरी, किसका दिखाना है? हाँ, इसको कभी तो दिखाना पड़ जाता है. अच्छा ये भी हमारे शोज में कुछ टर्म्स हैं, जोगी जोगन इसको कहते हैं, टपोरी बुरा लगता है. जोगी हम लोग कवर करते हैं, तो ये जोगी जीन है. आप लोग को डिसेंट रहना चाहिए यार, डिसेंट. अब आप इसके साथ पिंक के साथ कुमैल कसम को उठा लो. ये ब्लैक जीन्स पहले सिंपल, आप गर्मियों में वो गर्म नहीं होती. वेरी गुड, बहुत आला काम. गर्मियों में गर्म होता है ब्लैक कलर. अभी हम रात में आए, अब आप कह दो कि रात में भी गर्म. आजकल तो कौन सी जीन्स है जिनमें एसी लगे हैं? दिन की गर्मी रात को निकलती है ना. माशाल्लाह, नॉटी टॉक तो भरी पड़ी है ना लाहौरियों में. ओके जी, इस एपिसोड के लिए सिलेक्ट किया गया कुमैल को, कि कुमैल को देंगे मेकओवर, क्योंकि कुमैल को बालों में भी जरूरत है, ड्रेसिंग में, जीन्स को थोड़ा सा सारे टच इनके बदलेंगे. कुमैल शूज भी थोड़े कॉन्वर्स ले. अच्छा हैरान इस तरह होने, माशाल्लाह ऋतिक रोशन थे. नहीं, तो कुमैल को हम जरूर बदलेंगे और दिखाएंगे कुमैल कैसे लगे. आई होप कुमैल भी सेटिस्फाई होंगे हमारे मेकओवर से. आर यू रेडी कुमैल? ओके, थैंक यू. ओके जी, फाइनली वी आर एट ब्लू डिसिडेंट्स विच इज डिफेंस वाई ब्लॉक. हम हमेशा की तरह आए हैं मेकओवर लेकर इस ब्रांड पे. कुमैल रेडी हैं आप? हाँ जी रेडी. कुमैल से हमने वादा किया था कि उनकी लुक बदलेंगे, हमें इनकी टी शर्ट के साथ कोई मसला नहीं था ऐसा. बट अगेन इनके जो ट्राउजर्स हैं, अगर आप याद दिखा चुके हैं हम शो में आपको, ट्राउजर्स के साथ इन्होंने ज्यादती की है, बेसिकली रेप किया है. तो वो जो है इनको बदलेंगे इनकी लुक पूरी और फिर इनको हेयर कट देंगे, पूरा मेकओवर दिखाएंगे आप लोगों को. तो स्टे विद अस. ओके जी, सो वी आर डन विद कुमैल. आप देख सकते हैं कुमैल की टी शर्ट इज काइंड ऑफ बम्बू नाउ. पिंक भी ठीक थी पर इतनी क्लासी नहीं थी जितनी अब लुक लग रही है. स्पेशली जीन्स जिसके अगेंस्ट थे हम, इनकी फटी जीन्स को रिप्लेस किया गया. जूते वही हैं, बाकी कुमैल की लुक बिल्कुल वैसी. आई थिंक ही इज लुकिंग रियली गुड. आप लोग फेसबुक पर जरूर बताइएगा आपको कुमैल की ये कपड़े कैसे लगे जो हमने इनको दिए हैं, क्योंकि ये पूरी जो इनकी एमओ लुक है और उसके साथ कलर भी जा रहे हैं, डार्क है, इतने ब्राइट कलर्स नहीं पहनाएंगे इन्हें. अब चलते हैं इनके हेयर कट की तरफ, और हेयर कट भी इन्हें लेंथ में चाहिए, क्योंकि अगेन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम नहीं चाहते कि अगर आपको लंबे बाल पसंद है तो हम नहीं कहें शॉर्ट ही. अगर आपको लंबे बाल रखने हैं तो उन्हें मैनेज करें प्लस प्रॉपर हेयर कट. तो आज वो दोनों चीज़ें कुमैल के साथ होंगी और फिर कुमैल से बात होगी. ठीक है कुमैल, चलाओ चले. ओके जी, दिस इज द रीजन मैंने इनको सेलेक्ट किया था. आप ये देख सकते हैं इनकी फटीचर पैंट ये है. ये कुमैल जी देख रहे हैं आप, देखिए वो शाय कर रहे हैं थोड़ा सा. कुमैल ये थी वो पैंट जिसकी वजह से हमने सेलेक्ट किया. प्लीज आप लोग ये हरकतें ना करें, वरना इस पैंट के साथ ये हो जाता है. प्लीज ऑर्डर.
heater while you're sweating. LA, Miami, New York, say no more, get on the floor. Okay, gee, finally we are at Dhoni and Gaya M.M. Alam Road, and today we are at Shamal Qureshi again, and Kumail ko lekar aaye hain Shamal ke paas. Ab hum jaldi se puchhenge Shamal Qureshi kya dekhte hain inke andar Kumail ki M.O. log. चलो तो हमने कुमैल के साथ कंसल्टेशन किया हुआ है और उनको ही वांट्स ईमो लुक सही है ना तो ईमो लुक के लिए मेरे ख्याल से कि इनके बाल इधर से काफी थिक हैं ओके तो ईमो लुक में इट्स इंस्पायर्ड बाय जापानीज एनीमे मैंगा ये सारी चीजें तो अगर आप एनीमे देखें तो काफी स्पाइकी और टेक्सचर्ड है यू नो सो राइट नाउ इट हैज टू थिक बहुत बहुत ज़्यादा थिक एंड टू बी काइंड ऑफ स्टाइल्ड इनटू एन ईमो लुक सो व्हाट वी गोना डू इज हम इधर से काफ़ी वेट रिड्यूस करेंगे इधर से भी काफ़ी वेट रिड्यूस करेंगे हम लेंथ वही रखेंगे मगर पूरी जगह से हम शार्प हो जाएगी जैसे हम आपको हमेशा कहते हैं कि जो स्टाइलिश होता है आपका उसको अगर बैकग्राउंड उसका क्लियर हो उसे पता है उसने क्या करना है जैसे शमल ने भी आपको बताया कि ईमो लुक के अंदर शमल ये जो जापानीज चीज़ें हैं सारा कुछ है जब आपके स्टाइलिस्ट को इतना कुछ पता होगा तो उसके बाद ये जो भी कुमैल को हम बदल के आप लोगों को दिखाएंगे तो फिर हम शमल से दोबारा पूछेंगे कि कैसे वो चीज़ एग्जीक्यूट की जाती है डन है Like a trunk full of bass on an old school Chevy Seven tray Donkey Kong All I need is some vodka, some shonky conk And watch a tickle get Donkey Kong Baby, if you ready for things to get heavy I get on the floor and act a fool if you let me Lally, no more limit, just bet me My name ain't Keith, but I see the way you're sweating man. L.A., Miami, New York Say no more, get on the floor Finally, we are done with the haircut, and आप देख सकते हैं huge change. सबसे पहले शमल से पूछें शमल. I'm happy with the look. बड़ा अच्छा लग रहा है. आप देख सकते हैं कि बहुत सारा अभी weight reduce हुआ है और profile texture भी आ चुका है और you know it's all standing and stuff. तो I think he looks good. आप इनसे पूछें. जो बहुत बहुत पसंद आया कुमैल जो आपने हमें पहले बताया था कि आपका एक स्टाइलिस्ट है जिसने आपको ये ईमो लुक दिया था जो ईमो कम और कीमो ज़्यादा था उसके बाद अब ये जो हेयरकट दिया गया इसके बारे में क्या 100% बहुत अच्छा चेंज हो गया यही मैं चीज़ इनको पहले भी बता रहा था कि जो पहला हेयरकट था वो रेप्लिका था जिस तरह फेक कॉपीज मिलती है हर चीज़ की तो पहला फेक था दिस इज ओरिजिनल लेंथ सेम है पर शमल ने रिड्यूस कर दिया सारा वेट एंड यू कैन सी दिस वन पॉइंट आप लोग रेज करते हैं हमारे फेसबुक पे और हमारे चैनल पे कि आप लोग थोड़ी गए जाते हैं विच इज़ अ ब्रांड एंड इट्स एक्सपेंसिव अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता चलूँ कि दिस हेयर कट विल कॉस्ट यू अराउंड 800 वैसे इसकी नॉर्मल प्राइस 1000 बट स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट है 11 नंबर फैंस के लिए भी डिस्काउंट है 20% राइट शमल तो 800 में आई थिंक इफ यू गेट दिस लुक तो आपकी बेटा अम्मी भी नहीं पहचानेंगी आपको और बहुत फायदा हो जाएगा तो आ जाओ और आके हेयर कट ले लो ओके ठाठा Okay, ji. This is end of part one of 11 number. We are at Expo Center. Concert हो रहा है. काफी crowd आया हुआ है. आप लोगों को सारा कुछ दिखाया मैंने. लड़कियाँ, लड़के, जोगी, बोगी, अच्छे लड़के जो अच्छे लग रहे हैं, decent लड़के जो अच्छे लग रहे हैं, बुरे लड़के जो अच्छे नहीं लग रहे. सारा सीन था. सब कुछ आप लोगों ने देखा. I hope आप लोगों को आज का show अच्छा लगा होगा. आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को आज का show अच्छा लगा कि नहीं लगा. चले आए. Time waste नहीं करते और देखते हैं आज की pictures. ओके तो आज की पहली पिक्चर है अदनान सुहेल की अदनान का हेयर स्टाइल इज रियली डिसेंट द टी शर्ट कलर इज काइंड ऑफ किडिश एंड इट्स रियली शॉर्ट टी शर्ट इज नॉट गोइंग विद द बॉडी एंड ही इज लुकिंग रियली रियली अजीब जीन्स इज कूल बट अगेन द ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन आर रियली रियली यू नो आई कैन से टीनेजर स्टफ बट ही इज नॉट अ टीनेजर आई कैन क्लियरली सी दैट बैंड्स आर गुड द नकल इज गुड देयर इज नो वॉच शूज आर गुड ओवरऑल लुक जो मेंटेन करने की कोशिश की गई है ये नॉर्मली 13 से 14 साल के बच्चे करते हैं सो आई विल जस्ट सजेस्ट हिम के गो विद हिज एज सो 4 आउट ऑफ 11 टाटा फैसल जाफर का स्टाइल नो टी शर्ट का कलर अच्छा है लेकिन टी शर्ट ने सूट नहीं करी जस्ट बिकॉज ही स्किनी वॉच इज देयर नो बैंड्स जीन्स इज ओके ओके शूज आर अगेन नॉर्मल काइंड ऑफ स्टाफ बट ओवरऑल लुक अच्छी लग रही है एक नॉर्मल सा लड़का नॉर्मल से कपड़ों में सो नॉर्मल सा नंबर 6 आउट ऑफ 11 राय आमिर रियाज ओके हेयर स्टाइल शुरू करते हैं फेस के साथ हेयर स्टाइल जा रहा है बिकॉज ही इज अ बिग गाय आई कैन सी दैट वॉच इज रियली कूल द जैकेट कलर इज नाइस जीन्स इज गुड शूज आर आई थिंक फॉर कम्फर्ट थिंगी आर गुड बट लुक के साथ ही जा रहे तो ओवरऑल लुक इज नॉट दैट शार्प इम्प्रेसिव कि हम कहें क्या बात है राय आमिर रियाज की सो हम यही नंबर देंगे उन्हें 5 आउट ऑफ 11 क्या बात है पिक्चर्स तो ऐसी भेज रहे दिल करता है सबकी गर्दनें उड़ा दें लेकिन क्या करें मजबूरी है फैंस हैं आप लोग प्यार करते हैं आप लोगों से पिक्चर्स तो आप लोगों की दिखानी पड़ती है चाहे हमारे दिल को यहाँ लगे आके लेकिन इवन दो कि फिर भी आप लोग हमसे प्यार करते हैं तो हम लोग चाहेंगे आप लोग भेजते रहें अपनी पिक्चर्स हम लोग चलाते रहेंगे तो ये थी आज की पिक्चर शो भी कैसा था आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा 11 नंबर के पेज पर मैं आप सब
आपको सब कुछ बता चुका हूँ. अगर आप लोग आना चाहते हैं हमारे शो में तो ऑल यू हैव टू डू इज राइट 11N01 सेंड इट टू 8888 और हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग की नेक्स्ट लोकेशन क्या है, ताकि अगर आप लोग आना चाहते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि आपको मेकओवर की जरूरत है या ऐसा कुछ भी, तो हम लोग आपकी हेल्प करेंगे. अब देखें, ये है मजाक, दिस इज कॉल्ड जोकिंग, जो आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं पेज पे हमारे. दिस इज 1 एपिसोड, दिस इज 2 एपिसोड. अभी मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो खत्म हो जाएगा शो, ठीक है? तो कोशिश ये करूंगा थोड़े से नाम ले लूं, लेकिन आप लोगों के सबूत के लिए कि डायरेक्टर फैजान सलीम ने इतनी मेहनत की है कि सबके नाम लिख के लाए हैं, ताकि आप लोगों को बताया जाए कि एक एपिसोड में इतनी रिक्वेस्ट है कि इतने नाम लिए जाएं. अब हम सबसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा थोड़े से नाम ले लूं, थोड़े से. बाकी मैं सबको खत लिखता हूं प्राइवेट खून से, ताकि आप लोग खुश रहें. ओके, शुरू करते हैं. महानूर, बलोच, शानी, मुगल, नबील अहमद, फहद, नुमान, नमीर, जिया, माँ सलीम, बाबर, आयशा, मैं थक गया, ठीक है? आप सबको मेरे थोड़े से मतलब लेते, थोड़े से उमर अहसन, समीना खान, जुनेद अहमद, उस्मान सईद, जुनेद भट्ट, सदान, अवैस, नुमान खान, मोहम्मद अवैस, शाहजेब, फितरत मलिक, उसामा नकवी, ताहिर बाबा, हुसैन नकवी, आतिफ ख्वाजा, अशर चौधरी, हसन तनवीर, नुमान भट्ट, एम उमर, मदिया, मोहम्मद आनी, सोजो सारे, हुजैफा ताहिर, अनम साद, सादिया जिया, बुशरा जिया, सरीन सदीक, मुजम्मिल शौकत, अरीज, एम अमीर, हमजा, बीनिश पाट, अनुसा पाट, राणा सफीर, जवाद मिर्जा, कादिर, फवाद, दुआ, आमना, हंसा, महमूद, साइमा, जन्नत, माहा, मजर, लैला, दुरानी, डीजे एक्सप्लोड. तो यार अपने आप को फांसी दे दो, डीजे एक्सप्लोड, ये नाम तुम्हारा फेसबुक. मोमिना हसन, इर्तजा, रमशा, निदा सूफी, अब्बास अली, हसन अहमद, नाम ले लिए, देख लें. सिर्फ फैजान ने मुझे गुस्से से देखा इसलिए, लेकिन ये मैंने नाम ले लिए. प्लीज़ कोशिश करें कि हम लोग इसको अच्छी तरह भी कर सकते हैं. हम प्लान करते हैं इसके बारे में कुछ प्लस. अभी नाम सबके लिए हो गए, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, जिनके बच्चे हैं बीच में, जिनके नहीं है, वो फ्यूचर के बच्चों के लिए ख्याल रखें, सबसे प्यार करें. और यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मिस मी. Ta-ta. Keys, but I see the way you're sweating. LA, Miami, New York. Say no more, get on the floor.